न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज मैं सुबह में जल्दी ऑफिस आ गया। मैं चाहता था कि सुबह में ही रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए, सब एडिटिंग पूरा हो जाए और मैं दोपहर के बाद फ्री हो जाऊं। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे ऑफिस के सामने ही एक शादी का मंडप लगा हुआ था और बड़े जोरों से डीजी बज रहा था। रात देखते देखते 4 बज गए, 4 बजे डीजी बंद हुआ। अब ये डीजे जब चल रहा था तो रिकॉर्ड करना नामुमकिन था, मेरी इमारत हिल रही थी। जैसे ये आवाज बंद हुई, ध्वनि प्रदूषण बंद हुआ, मैंने कैमरा लगाए, लाइट्स लगाए और बैठ के सोच ही रहा था कि मैं आज क्या बात करूं। बड़ा अपसेट था, सुबह से ही सब कारोबार बिगड़ा हुआ था, सिर्फ वेट ही कर रहा था, तो थोड़ा अपसेट भी था। इतने में मेरे एक दोस्त है शैलेश नगर सेठ, एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनियन के वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं, है अभी भी बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और मुझे अक्सर एसएमएस किया करते हैं, बहुत अच्छे चुने हुए चुनंदा एसएमएस वो भेजते हैं। पहले भी मैंने मेरे ये दोस्त शैलेश नगर सेठ के एसएमएस पर सीधी बात की थी और आज मैं बैठा ही था, मोबाइल स्विच ऑफ करके मेरा रिकॉर्डिंग शुरू ही करने वाला था कि उनका एक एसएमएस आया। बहुत सुंदर मैसेज था उसमें, उसमें लिखा था, इंग्लिश में था कि अगर आपके पास एक बंद पड़ा हुआ ताला है और आपके पास 200 चाबियां हैं तो आप आखिरी चाबी तक कोशिश जारी रखें, हो सकता है कि वो 200वीं चाबी जो है उससे वो ताला खुल जाए। हम जीवन में यही नहीं, ये संदेशा जो है वो बात नहीं करते हैं, हम थोड़ा उल्टा करते हैं। 2-4-5 चाबियां लगाई, थोड़ी आगे से लगाई, थोड़ी पीछे से लगाई और फिर समझते हैं कि इतनी सारी चाबी कब लगा पाएंगे, अभी इसे छोड़ ही दो। तो बड़ा प्यारा संदेशा था और यही संदेशा जो भाई शैलेश भाई ने मुझे भेजा, वही संदेशा एक बड़े महान वैज्ञानिक थॉमस आल्वा एडिसन ने भी दिया अपने जीवन में, वो करके दिखाया। एडिसन साहब बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, वो 2-2.5 साल से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत करंट में से प्रकाश पैदा करने का उपकरण शोध रहे थे। उन्हें पक्का पता था, फॉर्मूला थी उसके पास कि अगर विद्युत प्रवाह को रोका गया, उसको रेजिस्ट किया गया तो प्रकाश मिलेगा, उससे प्रकाश पैदा हो जाएगा। थियरी था उनके पास, सिद्धांत था। अब वो चाहते थे कि कोई ऐसी धातु हो, कोई ऐसी चीज हो जो विद्युत का इतना ही रेजिस्टेंस करे जिससे कि बिजली भी पैदा हो, जिससे कि प्रकाश पैदा हो और वो खुद न जल जाए, लंबे समय तक वो चलता रहे। तो बहुत प्रयास किए, कहते हैं कि घोड़े की पूंछ का बाल भी उन्होंने यूज करके देखा, हमारे सर पे जो बाल उठता है वो भी उन्होंने यूज करके देखा। और साथ में वो जितने भी प्रयोग करते थे एक नोंद पोथी रखते थे और उसमें सब लिख लेते थे कि क्या हुआ। अब 3500 प्रयास हो गए, 2500 प्रयास हुए, 3500 प्रयास हुए और आखिर में उन्होंने टंगस्टन नाम की जो धातु थी उसका जो तार बनवाया था उन्होंने, उसमें बिजली पैदा हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सब पत्रकारों को बुलाया और दिखाया और वो नोंद पोथी भी दिखाई कि देखो मैंने इतने सारे प्रयोग किए तब जाके ये प्रकाश देने वाला बल्ब बना पाया हो।
तो एक पत्रकार ने कहा कि ये नोंद पोथी जो है वो अब क्या काम की, अब फाड़ के फेंक दो उसे, फेंक दो, जबकि बल्ब बन गया है। तो एडिसन ने जो जवाब दिया बहुत ही अद्भुत जवाब था, उन्होंने कहा कि ये तो मैंने शुरुआत की है, मैंने एक बल्ब बनाया है जो प्रकाश देता है, अब इससे भी ज्यादा प्रकाश देने वाला बल्ब बनाने के प्रयास शुरू हो जाएंगे। तो जब भी ये प्रयास हो, नए वैज्ञानिक इसके पीछे काम में लग जाए, तब ये मेरी जो नोंद पोती है जिसमें मैंने 2500 या 3500 जो प्रयास किए हैं जो विफल रहे हैं वो उनके लिए बाइबल का काम करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 3500 प्रयोग से जब प्रकाश पैदा ही नहीं हुआ तो हम बड़ा प्रकाश यही ये प्रयोगों से तो नहीं कर पाएंगे, प्रकाश बढ़ा नहीं पाएंगे, ये प्रयोग विफल है। बोले ये प्रयोग मेरे लिए विफल है, मगर जो अब आगे शोध करेगा उनके लिए ये गाइड बन जाएगा, मार्गदर्शन देगा कि इतने प्रयास छोड़ देने हैं। तो कोई भी प्रयास विफल नहीं है, हर एक विफल प्रयास के पीछे कोई अच्छी सिद्धि खड़ी हो जाती है। तो ये होना था और होके रहा, मगर प्रयास जो किए थॉमस अल्वा एडिसन ने वो बेमिसाल थे। कहते हैं कि जब वो पूरे 24 घंटे अपने प्रयोगशाला में ही रहता था, और उन्होंने कहा कि पूछा गया कि आप इतना सारा काम 12 18 20 घंटा काम कैसे करते हो, बोलते मैं जब फिजिक्स के प्रयोग करते करते थक जाता हूँ, खड़ा भी नहीं रह पाता हूँ, तब वो मैं बंद कर देता हूँ और फिर जाके केमिस्ट्री के प्रयोग करता हूँ, और केमिस्ट्री में जब थक जाता हूँ तो फिर से मैं फिजिक्स के प्रयोग में लग जाता हूँ। तो 24 घंटों में से वो 20 घंटे काम करते थे, तो प्रयास विफल नहीं हुए, आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन ने पूरी दुनिया में रात को भी उजाला कर दिया, रात को भी दिन बना दिया, मगर प्रयास जो थे वो प्रयास जो विफल रहे वो प्रयास की बदौलत पूरी दुनिया आज उज्जवल हो गई है। फिर तो आगे कई कई लाइट आ गई, कितने प्रकार के लाइट बल्ब आ गए उसका पता नहीं है हमें, कितने प्रकार के बल्ब मिल रहे हैं गिनना मुश्किल है। तो ये जो विफलता है वो आधार बन जाती है सफलता का। तो हम विश्वास रखें, हम अड़ग रहे, हम अपने प्रयास जारी रखें। एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक बड़े राजा थे, उन्होंने एक दूसरे अपने पड़ोसी देश पर हमला कर दिया, बड़ा लश्कर लेके वो वहां पहुंचे। अब वो जो राजा था वो भी बड़ा लड़ैया था, बड़ा उसके पास भी लश्कर था, मगर वो बाहर नहीं निकल पाया अपने किले से, किले में उसको घेर लिया गया। अब ये दोनों राजा इतने सुरवीर थे, इतने सुरमा थे, 60 साल निकल गए, ना बाहर वाला राजा जीत पाता है ना अंदर वाला राजा जीत पाता है। अब कोई 4-6-7 दिन बाकी थे कि जो बाहर राजा अपना लश्कर लेके पड़ा हुआ था उनके सेनापति राजा के पास गए और कहा कि महाराज अब 7 साल होने पर है, अगले गुरुवार के दिन 7 साल पूरे हो जाएंगे, अब हमारा लश्कर जो है थक गया है और सामने वाले भी कोई कमजोर नहीं है, बड़े लड़वैये है, बड़े सुरमे है और लड़ रहे हैं 7 साल से, उनसे ज्यादा नुकसान हमारा हो चुका है क्योंकि हम खुले में पड़े हैं और वो किले के अंदर बंद है, तो हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है, हमारे राज्य में भी असंतोष पैदा हो गया है, सैनिक तो कभी कभी भाग जा रहे हैं, थोड़े थोड़े सैनिक होके रात को निकल जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सुबह में उठे पूरा लश्कर भाग गया हो। तो अब आप सोचे कुछ, हम प्रयास करते हैं कि हम बने रहे, मगर अब ज्यादा देर बने नहीं रह पाएंगे। वो राजा ने 2 मिनट सोचा, कहा कि आप जो सोच रहे वो मेरी भी सोच है, मैं भी ये समझ पाता हूँ आपकी बात, मैं भी इसके बारे में सोच ही चुका हूँ, मगर चलो आप जब आए हो मेरे पास ये चर्चा ही निकली है, मैंने निर्णय कर लिया कि गुरुवार को 7 साल पूरे होते हैं, अगर शुक्रवार सुबह तक हम कुछ नहीं कर पाए तो शुक्रवार के दिन हम यहाँ से विदा हो जाएंगे।
हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, वो मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर अब 5 दिन बाकी है, आप सेना सेना का हौसला बनाए रखना, मगर ये बात बाहर नहीं जाए ताकि वो हमारे पर हमला ना कर दे, हमें चुपचाप निकल जाएंगे, शुक्रवार को सुबह में निकल जाएंगे, मगर सैन्य को अभी कुछ बताना नहीं है। अब वही बात जो किले के अंदर राजा थे उनके साथ हुई, उनके भी सेनापति पहुंचे कि महाराज बहुत लोग मारे जा रहे हैं, भूख मरा तो चल ही रहा है, पानी की किल्लत हो गई है और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम हमारी जीतने की उम्मीद ही कहाँ है, हम तो हार ही चुके हैं, चाहे अभी और 2 साल बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा ना हो कि रात को हमारी प्रजा ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, दरवाजे खोल के वो राजा को अंदर बुला ले, तो अच्छा है कि आप कोई निर्णय ले लें कि इसके बारे में क्या करना है। वो राजा ने भी कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, 7 साल होने पर है और आप आ ही गए हो तो मैं बता देता हूँ, आप अभी कुछ बात बाहर नहीं करना, नहीं तो वो सामने वाले जो राजा है उनके तक बात पहुंच जाएगी। अगर गुरुवार शाम तक, गुरुवार को हमारा उनका 7 साल पूरा होता है घेरेबंदी का, गुरुवार शाम तक अगर कुछ फैसला नहीं हुआ, वो लोग नहीं चले गए, गुरुवार शाम को हम दरवाजा खोल देंगे। अब वो शाम जो बाहर राजा बैठा हुआ है वो आस लगा के बैठा है कि कल सुबह तक कुछ हो जाए, भगवान कुछ हो जाए कल सुबह तक, और हुआ शाम को दरवाजे खुल गए। अब जो लड़ाई 7 साल चली, 7 साल रात दिन चली, वो लड़ाई एक रात की, एक रात के फर्क की वजह से, आशा और निराशा के बीच में एक ही रात थी, और वो बाहर बैठा हुआ राजा अपने आप जीत गया क्योंकि उन्होंने दरवाजे खोल दिए, बुला लिया कि हम हार गए, आप आ जाओ, आप अब हमारे राजा है। ये राजा बाहर निकला, वो राजा का स्वागत किया, उसके पांव पकड़ लिए, कहा कि हम हार गए, आप अंदर महल अंदर आ सकते हो, आप हमारे राजा हैं, हमारी प्रजा पे रहम रखना, हम दया की भीख मांगते हैं, ये हथियार हम रख रहे हैं। तो एक रात का जो हौसला था वो ये प्रजा नहीं बना पाई, ये राजा नहीं बना पाए, ये सेनापतियां नहीं बना पाए, वो हार गए, और एक रात का जो फर्क था वो हार और जीत में बदल गया। हम भी यही करते हैं, जब एग्जाम आती है, कोई बड़ी बात खड़ी हो जाती है, हम बस पहले तो घबरा ही जाते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे। मैं खुद की बात बताऊं, मैं BLLB तक पढ़ा हूं, मैं बहुत होशियार लड़का था, मैं पूरी किताबें रट लेता था, पूरे की पूरी जितनी भी कोर्स में थी वो सब किताब में मुंह पे कर लेता था, मैथमेटिक्स के सब एग्जाम्पल मुझे आते थे, मगर जब एग्जाम आती थी मैं इतना घबरा जाता था, मैं खा भी नहीं पाता था, और जब एग्जाम के लिए 12 बजे से एग्जाम है, मैं 11:15 बजे कॉलेज पहुंच जाता था, और फिर पहले पानी पीता था, इतना घबराया हूं कि पानी पीने के बाद मैं पेशाब करने जाता था, बाहर निकलता था तो लगता था कि फिर पानी की तरस लग गई है, मैं ऐसा लगता था हर बार हर एग्जाम में, चाहे छोटी भी एग्जाम हो, कि मैं अब गिर जाऊंगा, मुझे लगता था कि क्यों ना मैं मेडिकल सर्टिफिकेट ला के रख दूं। और जब पेपर मेरे पास आता था मैं देखता था कि मुझे 12 में से 6 सवाल लिखने हैं और मुझे 12 सबके सब सवाल इतने अच्छे आते हैं कि अब मैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठा हूं कि इसमें से मैं क्या छोड़ू और क्या लिखू, मगर हम पहले से ही अपनी हार मान लेते हैं, घबरा जाते हैं। बस थोड़ा हौसला रखिए, बात रात की होती है, बात एक और प्रयोग की होती है, हो सकता है कि 2500 प्रयोग करने के बाद एडिसन ने वो बात ही निकाल दी हो कि इलेक्ट्रिसिटी से बिजली में से प्रकाश पैदा होता है, हो सकता है कि हम अभी भी अंधेरे में बैठे हो, मैं ये इतनी बड़ी फोकस लगा के ये कैमरा के सामने आपसे बातचीत नहीं कर सकता, मगर एडिसन ने जो हिम्मत रखी आखिरी प्रयोग तक, जब तक प्रकाश नहीं मिला उन्होंने प्रयास जारी रखे, तो प्काश पूरी दुनिया को आज उजाड़ रही है, रात को भी दिन में बदल दिया। तो हम हौसला रखें, कुछ भी बुरा नहीं होगा, और जो बुरा हो रहा है, जो हार हो रही है, जो निष्फलता मिल रही है, जो हम विफल जा रहे हैं, वो भी समझो कि वो नींव बन रही है, जो भी प्रयोग हमारे विफल हो जाते हैं वो हमारी सफलता की नींव बन जाते हैं,
तो सीधी बात में बस हम आज इतना ही कहेंगे, कल हम फिर मिलेंगे।